कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस, वे छाप, इम्प्रिंट छोड़ते हैं। और यह स्पष्ट तथ्य है, फैक्ट है। और हमारे अनुभव अच्छे भी हो सकते हैं और हमको वो बुरे भी लग सकते हैं। किस तरह हमारे अनुभव छाप छोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने मेरा अपमान किया, ठीक, और फिर उस अपमान पर मैं कोई प्रतिक्रिया करता हूं, तो मैंने जो प्रतिक्रिया आपके उस अपमान के प्रति की, मैंने जो प्रतिक्रिया की कब, जब आपने मेरा अपमान किया, तो वो जो प्रतिक्रिया है जो मैंने की, वो एक स्मृति छोड़ गई। आपके द्वारा जो मेरा अपमान किया गया, उस अपमान पर मैंने जो प्रतिक्रिया की, उस प्रतिक्रिया के कारण एक स्मृति रह गई मस्तिष्क में। इसको कृष्णमूर्ति स्मृति कहते हैं, मैं उसको दूसरा नाम देता हूं। उससे पहले सुनो आगे कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि अगली बार अब जब मैं आपसे मिलूंगा तो क्या होगा, अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं उस स्मृति के साथ आपसे मिलूंगा, ठीक। और जिन्होंने भी मेरा अपमान किया है, उनसे जब भी मैं उस स्मृति के साथ मिलूंगा, तो वह जो स्मृति है, वह स्मृति और भी अधिक सघन हो जाएगी। और अब इसको इस तरह भी देख सकते हो आप, क्योंकि अनुभव तो हर तरह के होते हैं हमको। कुछ हमारे लिए हमें बुरे अनुभव होते हैं, तो कुछ अच्छे भी होते हैं। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपकी प्रशंसा कर दी, ठीक, यदि आपने मेरी प्रशंसा की है और आपने कहा कि आप तो बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं, आप कितने अद्भुत व्यक्ति हैं, तो फिर से ये जो आप चापलूसी कर रहे हैं, फिर से वह जो आपकी चापलूसी है, वह एक छाप, एक स्मृति छोड़ जाएगी, ठीक। और अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा, तो वो जो स्मृति थी जिसमें आपने मेरी प्रशंसा की थी, वो और भी सघन हो जाएगी। तो हो सकता है कि हम दोनों आपस में दोस्त बन जाएं, है ना, क्योंकि हमारे अनुभव हमको सुखद लग रहे हैं। तो एक जगह आपने मेरा अपमान किया, एक जगह आपने मेरी प्रशंसा की, ठीक, तो मुझे दोनों तरह के अनुभव हुए, सुखद भी और कुछ अप्रिय अनुभव भी। कृष्णमूर्ति यहां पर यह बात कहते हैं कि इन अनुभवों को वैसा ही जिया जा सकता है जैसे कि ये घटित होते हैं, ताकि जब आप मेरा अपमान करें तो मैं उस अपमान को इतनी पूर्णता से ग्रहण करूं, इतनी पूर्णता से ग्रहण करूं कि वह मन पर कोई निशान ना छोड़े, ताकि कोई स्मृति ना रह जाए। या इसी तरह से जब आप मेरी चापलूसी करते हैं, तो वह चापलूसी कोई निशान नहीं छोड़ती। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मन अब अनुभव संचय नहीं कर रहा है। और वह कहते हैं कि इसको जी कर देखें, इसको जिएं, सिर्फ प्रयास ना करें, इसको जिएं। तो मैंने कहा इसको मैं दूसरा नाम दूंगा, क्या, जिसे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि हमारे जो अच्छे या बुरे किसी तरह के अनुभव होते हैं, वे एक स्मृति छोड़ जाते हैं, ठीक, और फिर अगली बार जब मैं उस व्यक्ति से मिलता हूं, तो उस स्मृति के साथ मिलता हूं, इसके कारण वह स्मृति और सघन हो जाती है। मैं इसको कहता हूं कि ये स्मृति मात्र नहीं होती, ये मैं आई बन जाती है, अहम बन जाती है। जीवन में जो चोट हम खाते हैं, कामनाएं हमने की,
उम्मीदें हमने की और जब वो टूट जाती हैं, उनकी जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा, वो चोट, वो मैं बन जाती है, अहम बन जाती हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति यदि मेरे साथ कुछ ऐसा करता है जो मुझे पसंद नहीं आया, तो वो भी एक चोट की तरह मेरे अंदर, कह दो इसको काव्यात्मक ढंग से, कि मेरे सीने में खंजर की तरह गड़ता है और वो बना रहता है। वहीं से मैं की सघनता बढ़ जाती है, माने मैं और अधिक सघन हो जाता है, अहम और अधिक सघन हो जाता है। आपने देखा, जब आप बहुत आनंद में होते हैं तब आपको आपके होने का एहसास नहीं होता। आपको अपने होने का एहसास सबसे ज्यादा कब होता है? तब जब आप पीड़ा में होते हैं। आनंद में अपने होने का एहसास हमको नहीं होता। अगर आपको अपने होने का एहसास है, अपने होने का माने मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो आप आनंद में है नहीं, बस आपको भ्रम है। सचमुच यदि आनंद में है, कोई बेचैनी नहीं है, कोई चिंता, कोई तनाव, इन सबसे मुक्त है, आनंद में है, शांत है, बिल्कुल अंदर से गदगद है, मस्त है, तो आपकी जो व्यक्तिगत सत्ता थी वह मिट जाती है। सचमुच में वहां आप अपने बारे में किसी भी तरह की फिक्र से आजाद हो जाते हैं, और जब आजाद होते हैं केवल तभी आनंद हो सकता है। तो ये जो मैं है, जो अहम है, जो मैं की फिक्र है, मैं की चिंता है, मैं को बचाने का सारा प्रयास है, ये कब होता है? ये तभी होता है जब अंदर कोई पीड़ा हो, कोई चोट हो, कोई ठेस लगी हुई हो, कोई बात सीने में चुभ रही हो। और ये चुभन आती कहां से है? ये आती है जीवन के अनुभवों से। तो कृष्णमूर्ति क्या कहना चाह रहे हैं? कृष्णमूर्ति कहना चाह रहे हैं कि जीवन में हर क्षण आप इसको आप अनुभव करते हैं। आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, हम इंसान हैं, तो हम अनुभव करते हैं अपने दैनिक जीवन में। अच्छे व्यवहार भी होते हैं, बुरे व्यवहार भी हमको अनुभव होते हैं, तो हर तरह के अनुभव हमें होते हैं। कुछ हमें बेचैन कर जाते हैं, कुछ सुकून दे जाते हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, अपने घर के अंदर ही देखो, घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जिनसे भी आप मिले हो आज तक, हम, मैंने एक बार आपसे कहा था, अगर आपने पहले वीडियो सुने हैं तो पहले वाले भी, मैंने कहा था कि आज आप सामने वाले व्यक्ति से उस सब के आधार पर व्यवहार करोगे जो अंतिम मुलाकात में आपने व्यवहार उसके साथ किया था। माने जिस तरीके का व्यवहार आपका उस व्यक्ति से अंतिम मुलाकात में रहा था, वही व्यवहार आपकी इस मुलाकात में उसके साथ आपके आज के व्यवहार को तय कर देगा। अगर आपकी अंतिम मुलाकात में उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध, आपका व्यवहार, आपकी अंतिम मुलाकात ऐसी थी जिसमें दोनों एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या से, भ्रम से भरे हुए थे, क्रोधित थे, लड़ रहे थे एक दूसरे से, एक दूसरे पर दोष आरोपित कर रहे थे, तो अब अगली जो मुलाकात होगी ना, आप उसी छवि के साथ उस सामने वाले व्यक्ति को देखेंगे। देखो यहां पर आपके बहुत सारे कुतर्क आ सकते हैं, तर्क आ सकते हैं कि देखो कोई व्यक्ति इतना बुरा है, उसने ऐसा दुर्व्यवहार करा, तो क्या मैं उसको ध्यान ना रखूं, क्या उस सब का ख्याल ना करूं और बस ऐसे ही बेहोश होकर के चल दूं? मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शेर का मुझे पता है कि वो मांस खाता है और इंसान को भी खाता है, क्या उसके बावजूद भी एक बार उसने मुझे नहीं खाया तो क्या दूसरी बार भी ऐसे ही चला जाऊं मिलने? मैं ये नहीं कह रहा हूं, बात समझिए। हमें कोई भी व्यक्ति जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ व्यवहार हमें, अनुभव हमें हर समय होते रहते हैं, तो सुखद भी होते हैं, दुखद भी होते हैं। यदि मैं उन सारे अनुभवों को स्वीकार कर लूं कि ठीक है तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा व्यवहार किया, ठीक है, अगली बार उसी ने आपके साथ व्यवहार बिल्कुल अलग कर दिया और आपको दिख रहा है साफ साफ,
कभी व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है, कभी अपमान कर रहा है, तो उसके सम्मान या अपमान के प्रति प्रतिक्रिया मत करो, बस देखो कि वो क्या कर रहा है और उसको स्वीकार कर लो कि ठीक है, तूने सम्मान दिया ठीक है, तूने अपमान किया ठीक है, पूरा स्वीकार कर लो सचमुच में। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपको वो जो स्मृति का बोझ यहां लेकर घूमना पड़ता है वो घूमना नहीं पड़ेगा। अब आगे कृष्णमूर्ति ने कहा नहीं, पर आगे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उसके साथ जो आपका संबंध रहा, उसने जैसा व्यवहार किया, अगर आप उस सबको स्मृति में रखते हैं, माने उसको ढोकर फिरते हैं, उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो अगली बार अगर फिर से वो वही हरकत करता है तो वो जो उसने हरकत की वो उस स्मृति को और सघन कर देगा, ठीक। पर जिस तरह से आपकी स्मृति सघन हो रही है उसी तरह उस व्यक्ति की भी तो होगी, तो वो व्यक्ति आपको अपने अनुसार बना पा रहा है या उस व्यक्ति पर आपके व्यवहार का असर ज्यादा पड़ रहा है, उसकी भी तो स्मृति सघन होगी ना, उस पर भी तो आपके जो प्रतिक्रिया होती है उसका असर पड़ेगा ना। एक प्रतिक्रिया मौन होती है जिसको प्रतिक्रिया कह भी सकते हो और नहीं भी कह सकते हो, अगर वो होश में की गई है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जो कह सकते हो एक सोचा समझा ध्यान से विचार से बोध से उठा हुआ जवाब है मौन। जब आप ऐसे सचमुच हो जाते हैं कि इन सारी प्रतिक्रियाओं को संचित नहीं करते, और जब भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसी क्षण में वो जैसा है उससे वैसा ही मिलते हैं, अतीत में जो भी उसने क्रिया प्रतिक्रिया की थी उस सबको एक तरफ रखकर अभी जब आप उससे मिलते हैं तो आप उसको साफ साफ देख पाते हैं। अगर अतीत के ही चश्मे से हम उस व्यक्ति को हर बार देखेंगे तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे जो अभी वो हो चुका है। हो सकता है कि वो व्यक्ति बेहतर हो गया हो सकता है कि वो व्यक्ति और भी ज्यादा बुरा हो गया हो। अभी आपके मन में ये सवाल तो उठ रहा होगा कि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता हो, फिर भी हम उसके उन व्यवहारों को संचित ना करें। मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूं कि जो व्यक्ति आपके साथ अभी बहुत मीठा मीठा व्यवहार कर रहा है, वही व्यक्ति कल को आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करे पर उस आपको तो उस मीठेपन की लत लगी है और उसके कारण यदि आप उसके दोष नहीं देख पाओगे तो क्या ये आपके साथ अच्छा होगा? तो फिर तो ये भी आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और हमारे जीवन में आप अगर व्यवहार की बात करें तो अधिकांश दुख इंसान को कहाँ से मिलते हैं? कहीं उनसे, उन लोगों से मिलते हैं क्या जो जिनको वो जानते ही नहीं या जो बहुत दूर के हैं? नहीं, इंसान के दुख का कारण यदि कोई इंसान है तो वो वही लोग हैं जो उसके बहुत निकट हैं। जो व्यक्ति उसके जितने अधिक निकट होते हैं अधिकांशतः वही होते हैं जिनके कारण वो अपने जीवन में दुखी और परेशान है। पर वे सारे रिश्ते तो प्रेम के नाम पर बनते हैं, पर ये जो है ना कि किसी ने आपके साथ कोई व्यवहार किया, मान लो अपमान किया या सम्मान किया प्रशंसा की, तो इस बात को आप पूरी तरह स्वीकार केवल तभी कर पाएंगे जब आप सचमुच ये समझते हो कि व्यक्ति क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, ये किस तल पर है, समझ के चेतना के किस तल पर है जहां से ये व्यवहार कर रहा है। ये इस बात की समझ जब आपको होगी ना तभी आप ऐसा कर पाएंगे कि सामने वाला व्यवहार कर रहा है, कुछ ऐसे शब्द बोल रहा है जिन पर कि एक होश में ना रह जाए या एक नॉर्मल व्यक्ति को देखें तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं कर देगा, हो सकता है वो गालियां भी दे, पर मैं देख पा रहा हूं कि ये व्यक्ति क्यों ऐसी हरकत कर रहा है, तो वहां मैं अपनी समझ से देख पा रहा हूं कि कोई प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हो सकता है आपको उसके प्रति करुणा उठे। ये बात सचमुच ध्यान से समझिए, यदि आप सचमुच ये समझ पाए, ये देख पाए कि सामने वाला व्यक्ति जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, चाहे कोई व्यवहार कर रहा हो कोई शब्द बोल रहा हो, किस अज्ञान से ये आ रहे हैं, किस भ्रम से आ रहे हैं,
किसने इस व्यक्ति को ऐसा निर्भित कर दिया कि यह व्यक्ति ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर है, एक मशीन की तरह हो गया है, संस्कारित हो गया है। क्योंकि जो बोधवान व्यक्ति होगा वो ऐसी हरकतें करेगा नहीं कि किसी को व्यर्थ ही वो चोट पहुंचाए। तो वो व्यक्ति बोधवान तो नहीं है, पर ये जैसा भी है इसको ऐसा बना किसने दिया। जब आप साफ साफ ये देख पाते हैं तो आपको उसके प्रति क्रोध या ईर्ष्या नहीं बल्कि करुणा उठती है। तो अगली बार जब कोई भी आपके साथ, कम से कम यहां पर देखें कि कोई भी आपके साथ कोई अपशब्द बोले या किसी बात पे अपमान कर दे, हंसी उड़ा दे, कोई कमेंट पास कर दे, तो उसकी बात को सुनना, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, ठीक है, और आगे बढ़ जाना। पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेना, हाँ ठीक है ऐसा, और आगे बढ़ जाना। उसको फिर याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों सोचूं मैं उसके बारे में, ठीक है। अगली बार वही अच्छा कमेंट कर दे तो भी मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। अब तुम सोचो किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया और आधे घंटे बाद जाकर तुम उसी से मुस्कुरा के बात करो, वो व्यक्ति कितना हैरान होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने इसका अपमान किया और ये अभी ऐसे बात कर रहा है जैसे कि मुझे पहली बार मिल रहा हो। ऐसा आप तब कर पाएंगे जब आप सचमुच उसकी बात को बिल्कुल चोट ना खाओ, अंदर तक ना वो आपको चोटिल कर जाए, वो ऊपर ऊपर रहे बस, अंदर ना जाए। रास्ते पर चलते हो, इतने कंकर है, पत्थर हैं, ठोकरे हैं, कांटे हैं, नालियां हैं, ठोकरे लगती रहेंगी, किस किस को यहाँ खोपड़े में रखोगे। आज अभी अभी जहां पर हो वहां से पीछे मुड़कर देखो, कितनी ठोकरे लगी, कितनी चोट लगी, कितनों ने क्या कहा। क्या हर चोट आपको याद है? नहीं ना। तो जब भी ऐसा लगे, दिखे कि चोट लग रही है, तुरंत ये ख्याल आ जाना चाहिए आपको, क्यों इसको संभालूं? और आप कितना समझदार होने लगे हैं, कितना आप समझ रहे हैं, कितने आप शांति में, आनंद में जी रहे हैं, इससे ये इस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि आपको किसी व्यक्ति की बात चोट तो देती है मगर कितनी देर तक वो आपको चोट देती रहती है। एक समय था कि कोई व्यक्ति मुझे कोई कुछ कुछ बोल देता तो महीने, दो महीने, पांच महीने, साल भर तक वो बात मेरे सर पर चलती रहती थी। अब ऐसा हुआ है कि वो बात कुछ दिन रहती है, फिर पता चलता है कि एक दो दिन में खत्म, फिर पता चलता है एक दिन भी नहीं रहती, फिर पता चलता है घंटे भर उसकी बात के बारे में सोचता हूँ फिर खत्म हो जाती है, फिर पता चलता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी चोट लगती है और फिर वापस आगे बढ़ जाते हैं। जिसको ये चोट लगनी बंद हो जाती है, ऐसा नहीं कि बस बेहोशी में, सचमुच जिसको चोट लगनी जितनी कम हो जाती है, चोट का जो प्रभाव रहता है मस्तिष्क पर, मन पर, वो जितना कम हो जाता है, समझिए कि वो समझने लगा है। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप समझने लगे हैं। गुलाब अगर कांटों पर इल्जाम लगाने लग जाए तो कांटों पर इल्जाम लगाता रह जाएगा, खिल तो पाएगा नहीं। ऐसा ही है जीवन। नारियल अंदर से इतना मुलायम होता है पर उसके लिए बाहर कठोरता भी होती है। तो खुद भी बाहर से व्यवहार में हो सकता है कुछ अलग हो, पर अंदर से वैसे ही रहिए, खुद को फ्रेश करते रहिए। जितना जल्दी जल्दी फ्रेश करेंगे, माने कि भुलाते चलो, क्यों इकट्ठा करना इन सबको, क्यों इसका बोझ ढोना। तो जो व्यक्ति जितना जल्दी जल्दी अपने आप को फ्रेश करता जाता है, अतीत की घटनाओं को, स्मृतियों को, चोटों को, जो छोड़ता चलता है, ढोता नहीं, घसीटता नहीं, उसके जीवन में आराम रहता है, शांति रहती है। फिर जब वो छत पर जाएगा और बैठेगा तो उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा, वो चांद को देखेगा, आसमान को देखेगा। वरना जीवन के सुकून भरे क्षण, अभी तुम मान लो कार से जा रहे हो और किसी ने दो बात बोल दी थी, पर कार से जा रहे हो, आसपास हरे भरे जंगल हैं, नदियां हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, मस्त, बहुत शाम का समय मान लो तो बढ़िया बादल दिख रहे हैं, सूरज ढल रहा है, बहुत सुंदर है, और तुम खोए हुए हो अपने ही ख्यालों में, उसने ऐसा क्यों,
कहा, वैसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये वो फलाना ढिमका, 17 बातें, और घंटे भर से सोचे जा रहे हो। तुम जीवन है सामने, उसको छोड़ करके अतीत में कुछ हुआ उसको पकड़े बैठे हो, क्या कर लोगे उसके बारे में इतना सोच करके भी। वहां सोचो जहां सोचने से कोई ये ना हो कि तुम्हारे चैन, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी शांति छिने। एक होता व्यवहारिक तल कि कोई काम धंधा उसके बारे में सोच रहा हूं, तो वहां सोचने, जहां विचार की आवश्यकता है वहां विचार करो, पर जहां विचार की, विचार का कोई महत्व नहीं है, सारी ऊर्जा व्यर्थ जानी है, वहां सोचकर क्या करना, छोड़ो। कृष्णमूर्ति कहते हैं उसको स्वीकार कर लो, मैं कह रहा हूं उसको हल्के में लो। ऐसा कहते बेटा तू शरीर को छू जाएगी तेरी गाली, तेरा अपमान, तेरी शब्द, हाँ, मगर दिल को नहीं छुएगी, दिल तो हमारा वैसे ही धड़कता रहेगा। वो देखे ना कैसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा किया था ना, अब देख तेरे को मेरी जरूरत लगी है, अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं भी बदला लूंगा, मैं भी मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। ये वो लोग होते हैं जो बहुत गहरी चोट खाए हुए होते हैं। ऐसे मत बनो। दूसरे को क्या तुम दंड दोगे, सबसे ज्यादा खुद दंड पाओगे, इतने कठोर होकर के, ऐसे पत्थर होकर के। ऐसे हो जाओ कि चल ठीक है रे, तूने मुझे पत्थर मारा था, ले जा, भूख लगी ना तुझे, आ बैठ कर खाना खाएंगे मस्त दोनों। ऐसा नहीं है कि किसी में थप्पड़ मारने की ताकत नहीं है, पर ठीक है भाई, तूने मार लिया ना, तेरे को लगी तो नहीं हाथ में, चल ठीक है, कई बार थप्पड़ भी स्वीकार सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है थप्पड़, मगर कमजोरी का प्रतीक नहीं होना चाहिए, ताकत का प्रतीक होना चाहिए। कमजोर तो कोई भी कुछ भी स्वीकार कर सकता है। आपके पास ताकत है, जिसे कहते ना जिगरा, ताकत है कि मैं भी मार सकता हूं पर मैं नहीं मार रहा हूं, इसलिए नहीं कि डरता हूं पर मैं नहीं मार रहा हूं। तो जितना अधिक हो सके प्रतिक्रियाओं से बचो, माने कम से कम प्रतिक्रियाएं करो, जहां आवश्यकता नहीं है जबरदस्ती प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। और कुछ भी ढो मत, संचित मत करो। धन्यवाद।